हाय एवरीवन एंड नमस्ते टू ऑल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिट्टू फूड लैब में। फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि डेली दूध पीना चाहिए। क्या हम इसको फॉलो करते हैं? नहीं। डेली प्लेन दूध कंज्यूम करना हमारे लिए बहुत बोरिंग होता है, चाहे फिर वो बड़े हों या फिर छोटे बच्चे ही क्यों ना हो। तो इसके लिए मैं एक नए ट्विस्ट के साथ हेल्दी एंड टेस्टी शुगर फ्री मिल्क शेक लेके आई हूँ, दैट इज शुगर फ्री डेट्स मिल्क शेक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन गिवन बिलो फॉर द लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे बनाते हैं इस इजी से डेट शेक को। तो सबसे पहले हम अपने इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं हमें क्या क्या लगेगा। मैंने यहाँ पे ये कुछ इलायची के पॉड्स ले लिए हैं, यहाँ पे 10 से 12 काजू लिए हैं, ये मैंने सीडलेस खजूर लिया है, इनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक ग्लास चिल्ड मिल्क लिया है, मूल फ्रेश क्रीम लिए हाफ कप और ब्लेंडिंग के लिए एक जार लिया है। स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपने मिक्सिंग जार में जो खजूर लिए हैं हमने आधा कप वो ऐड करेंगे और जो हमने 10 से 12 काजू लिए हैं वो ऐड करेंगे और एक इलायची ऐड करेंगे। इसको इसमें थोड़ा सा हम पहले 2 टेबलस्पून जितना मिल्क ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमारे काजू और खजूर अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं। अब हम इसमें अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। इसमें अब मैं 2 टेबलस्पून अमूल फ्रेश क्रीम डालूंगी। ये शेक को बहुत ही रिचनेस फ्लेवर देता है और अपना बाकी का बचा हुआ मिल्क ऐड करूंगी। अगर आपके पास अमूल फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं और सिर्फ फुल फैट मिल्क के साथ भी बना सकते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए अब हम इसको वापस से ग्राइंड कर लेंगे। शेक हमारा बन के रेडी है। अब इसको हम एक ग्लास में अच्छे से पोर कर लेंगे और चिल्ड सर्व करेंगे। If you like this video, please like and subscribe to our channel, Mittu Food Lab. Thank you.